नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला सर के टॉप 10 पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में। उनके पोर्टफोलियो में टॉप 10 इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स कौन से हैं। देखिए, इसका उद्देश्य होगा आपको बताना कि किस क्वालिटी वाले शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप जैसे तैसे शेयर में फंस जाते हैं। साथ ही साथ बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया, जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए, डेली हम 4 से 5 वीडियो डालते हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, ये राकेश झुनझुनवाला सर के टॉप 10 शेयर्स हैं और कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी हम यहां पर दिखाएंगे। टाइटन देखिए, इसमें 2002 में ही उन्होंने इन्वेस्ट किया था और उनमें अभी तक उनका इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 7700 के आसपास बना हुआ है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें टाइटन में, जो कि ज्वेलरी सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर है। साथ ही साथ टाटा ग्रुप का शेयर है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका कहाँ है? टाटा ग्रुप में। दूसरा है टाटा मोटर्स, देखिए सेकेंड स्थान पे भी टाटा ग्रुप का शेयर है। आप जैसे तैसे पैनी शेयर को ढूंढते हैं, 1 रुपये वाले शेयर आपको मिल जाए तो आप बड़े खुश होंगे। देखिए, इसमें 1325 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाते हैं, टाटा मोटर्स लाती है, तो निश्चित रूप से स्टॉक में गजब का तेजी देखने मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो है क्रिसिल, क्रिसिल में भी उनका पुराना इन्वेस्टमेंट है और इसमें भी देखिए 1053 करोड़ का है। और टाटा मोटर्स में उन्होंने इसी 2020-21 में इन्वेस्ट किया है, जबकि टाइटन में हो गया, क्रिसिल में हो गया, लुपिन फिर इसमें पुराना इन्वेस्टमेंट है उनका, तो लुपिन में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 833 करोड़ का। तो देखिए, जो अच्छे क्वालिटी वाले शेयर हैं, जो कि वेल एस्टेब्लिश है, उनमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद है फोर्टिस हेल्थ केयर, इसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 778 करोड़ का। फिर उन्होंने का इन्वेस्टमेंट है एनसीसी में, ये भी काफ़ी पुराना इन्वेस्टमेंट है 757 करोड़ का, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। वहीं बात करें एस्कॉर्ट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, देखिए ऑटो सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया उन्होंने और ऐसे ऑटो सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जो कि एकदम इवर ग्रीन है, एकदम इवर ग्रीन स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। इसमें कोई भी मतलब जैसे ऑटो एंसिलरी पिछले 3 सालों से अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन एस्कॉर्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल अंडर परफॉर्म नहीं है, बल्कि ये बेंचमार्क को हिट किया है, बेंचमार्क को भी बीट कर रखा है। जो निफ्टी है हमारा बेंचमार्क स्टॉक मार्केट को, जिसको ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको भी बीट कर रखा है इस स्टॉक ने। इसके बाद अगला है जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट ग्रुप की कंपनी है, काफी बेहतरीन है, 722 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फिर रैलीज इंडिया, देखिए फिर तीसरा टाटा ग्रुप का तीसरा शेयर रैलीज इंडिया, ये हमने वीडियो भी बनाया था, एग्रो केमिकल सेक्टर का स्मॉल कैप एक स्टॉक है और स्मॉल कैप में इन्होंने 627 करोड़ का इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप का शेयर है, तो टाटा ग्रुप का शेयर जब भी गिरावट मिले आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर नजारा टेक्नोलॉजी, ये तो इन्होंने जब ये लिस्टेड भी नहीं है एक कंपनी, उसी समय से इन्वेस्ट कर रखा है इसमें 606 करोड़ का। तो ये टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स है जो कि राकेश झुनझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में है। तो इसी तरह से क्वालिटी में आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि पैनी शेयर्स में। ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं क्या ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्ट कर दें, यस बैंक में इन्वेस्ट कर दें, तो उसमें आपको दोस्तों 1 साल में आप देखेंगे यस बैंक में कुछ नहीं मिला है किसी को। लेकिन वहीं आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किए रहते, हमने यहाँ पर 65 रुपीज़ पर वीडियो बनाया था और यहाँ से ये 350 रुपीज़ के ऊपर जा चुका था। देखिए कितना बड़ा रिटर्न आपको प्राप्त होता। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।